वही दिल्ली शराब नीति केस में 3 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई दोपहर 2:15 बजे शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चली। इस दौरान ईडी ने 10 दिन के रिमांड मांगी। वही साथ ही ईडी ने दावा किया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए हैं, कई सारे फोन तोड़े गए हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। 2 बार कैश ट्रांसफर भी किया गया, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ था।